अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आलू गोश्त बनाएंगे। इसके लिए हमें प्याज चाहिए, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा दही भी चाहिए, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, और चिकन चाहिए और आलू। चले आए, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल में प्याज डाल, घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज हम ले लिए हैं बड़े दो। अब इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। इसको हम दरमियानी आग में इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। इसका रंग चेंज अप हो रहा है। हल्का सा गुलाबी जब हो जाए तो इसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे दही डाल के। हमने इसमें से ऑयल में से हमने प्याज निकाल लिया, उसको ग्राइंड कर लिया दही डाल के, और अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई हो रहा है, अब ये थोड़ा सा फ्राई हो गया, इसमें हम अब लहसुन अदरक डाल देंगे। जो हमने लहसुन अदरक डाला था वो भी इसमें फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ये जो प्याज और हरी मिर्चें, दही डाल के जो हमने ग्राइंड की थी वो इसमें अब हम डाल देंगे। ये डाल के अब इसमें हम नमक मिर्च डालेंगे। प्याज डाल दिया हमने, इसमें अब हम नमक मिर्च डाल देंगे। नमक मिर्च जो आपकी हसरे ज़रूरत जैसी आप पसंद करती हैं, तेज़ या हल्की जैसी भी। मैंने दो चम्मच लिए हैं मिर्च के, लाल मिर्च के, एक चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच नमक। ये दालचीनी है, दालचीनी भी आप डाल दें, इसके जायका ज़रा अच्छा हो जाता है, मज़े का लगता है इसमें। जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे। इसका जो हमने टमाटर, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। टमाटर भी हमने ग्राइंड किए हुए हैं, आप ऐसे भी डाल सकती हैं जैसे आपकी मर्जी। वो फिर थोड़ा गलने में टाइम लगते हैं और शोरबे में अच्छी नहीं लगते हैं। Thank you.
इसमें हम आलू डालेंगे, आलू भी इसमें के ये जो पानी है इसके साथ ही गल लेंगे थोड़े से, फिर हमें थोड़ा गलाना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह ये भून लेंगे, इसका पानी खुश करेंगे और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम लगाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये जब अच्छी तरह इसको ये पानी छोड़ देगा, किनारे छोड़ देगा घी, तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। ये अच्छी तरह भून हो गया है, घी छोड़ दिया किनारों में, इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा। अब इसको ढक दे जब तक आलू नहीं गल जाते, थोड़े से गल गए हैं लेकिन थोड़े से रहते हैं गलने वाले, तो फिर इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और धनिया डालेंगे। ये हमारे आलू भी गल चुके हैं और पानी भी अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें कच्चापन नहीं रहा। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, धनिया। अब इसको हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं हम आपको।